हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपनी बालकनी का मेकओवर करूँगी और बाथरूम की डीप क्लीनिंग करूँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो देखते हैं, चलिए आगे मिलते हैं। आप देखते रहिए, मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। ये देखिए दोस्तों, मेरी बालकनी देखिए कितनी गंदी हो रही है। मिट्टी इतनी है, धूल इतनी है। तो देखिए, अभी आप देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही है। कोई बात नहीं, हम अभी इसे अच्छा सा कर देंगे। ये मेरी सेकंड बालकनी है। ये पहले हम इसी को करते हैं, जरा पहले मैं सारा सामान हटा के यहाँ झाड़ू लगा लूंगी। देखिए, झाड़ू मेरी लग गई है। अब मैं ये दीवार से मिट्टी जो धूल आ जाती है तो उसे साफ़ कर दूंगी ताकि गंदगी ना रहे। अगर वाइट पेंट होता है तो उस पर गंदगी साफ़ दिखती है। ये मेरे बराबर वाली भाभी का फ्लैट है तो यहाँ पे इन्होंने शीट लगा रखी है, प्लास्टिक शीट है ये, तो इसलिए मैंने ये गंदी सी लग रही थी मुझे वाइट। जब मेरे यहाँ पेंट हुआ था तो इस पर पेंट लग गया था, तो मैंने सोचा साफ़ इसे भी साफ़ कर देती हूँ हाथों हाथ। देखिए, अभी मैंने ये वॉश भी कर दिया था। एक्चुअली वो मैं व्लॉग में दिखा नहीं पाई, पहले मैंने ये पूरा धोया था, उसके बाद मैंने पोंछा लगा के सुखा के फिर मैं ये ग्रास बिछा रही हूँ। ये आर्टिफिशियल ग्रास है ये। ये मैं लिंक नहीं दे सकती क्योंकि मैं ये कहीं से ख़रीद के लाई थी। मैंने सोचा थोड़ा इस पर साफ सा भी कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने प्लांट्स वगैरह पहले ही मैंने रेडी करके रखे हुए थे तो मैंने सोचा ये। और देखिएगा आप, तिरंगा होता है ना हमारा इंडियन फ्लैग, तो वैसे ही मैंने कलर के लिए थे ये। ये शूज़ रैक है, ये शूज़ रैक मैंने यहीं बालकनी में रख दिया, तो इसके ऊपर मैंने सोचा यहाँ टेबल क्लॉथ जो होते हैं मेरे पास रखे ही थे तो मैंने उसके ऊपर बिछा दिया। फिर ऊपर मैंने दो प्लांट्स थे वो रख दिए। क्यों, अच्छे लग रहे हैं ना? ये मनी प्लांट्स की बोतल है, ये मिल्क शेक आता है ना उसकी कांच की बोतल रख ली थी मैंने, तो उसमें ही मैंने पानी भर के आरो का, तो उसमें मनी प्लांट की बेल लगा दी थी। ये देखिए, आप बताइएगा प्लीज़ आपको कैसा लगा ये? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए पूरी बालकनी का व्यू। अब देखिए, मैं अपनी सेकंड बालकनी में आ जाती हूँ। वो सेकंड, ये है मेन बालकनी हमारी, सॉरी सेकंड वो थी, ये मेन बालकनी ये है मेरी मास्टर बेडरूम की। इसमें मैंने ग्रास मेरे हस्बैंड ने पहले ही कट कर ली थी शेप के अकॉर्डिंग, फिर उन्होंने ही कर दी थी। एक्चुअली जब मैं ये ख़रीदने गई थी तो उन्होंने फुल साइज़ तो दिया नहीं था, उन्होंने बोला था कि इससे भी फुल आएगा, तो हमने इसलिए ये ले ली थी। इसलिए ब्लैक ब्लैक जो आ रहा है साइड में, इसी वजह से आ रहा है। तो जो ग्रास मेरी बच गई थी वो मैंने यहाँ वॉल पे बिछा दी थी, और ये थोड़े टुकड़े थे तो वो ब्लैक ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कट करके वो यहाँ पर लगा दिया, तो इसलिए पता नहीं चल रहा था कि ये टुकड़ा है या ऐसा लग रहा है जैसे इसी के साथ जुड़ा हुआ है। आप भी देख सकते हैं, और थोड़े जो बच गए थे तो देखिए मेरे हस्बैंड ने यहाँ स्लिप पे भी लगा दिया। ये सारे प्लांट्स देखिए अभी ये यहाँ पे रख रहे हैं, एक एक करके सारे लगा देंगे। ये सारे प्लांट्स भी मैंने यहाँ लोकल एरिया से ही खरीदे थे, नर्सरी से।
देखिए यहाँ पे साइड में जगह बची है तो मैंने यहाँ पे मूढ़ा रख दिया था। दो मूढ़े थे मेरे पास, तो एक मूढ़ा साइड में रख दिया था मैंने, एक मूढ़ा ये आपके सामने है। देखिए व्यू, आप बताइएगा प्लीज आपको कैसा लगा। देखिए मेरी बालकनी कंप्लीट हो गई थी तो मैंने सोचा बाथरूम क्लीन कर लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया, थक भी बहुत गए थे। पहले मैंने पॉट साफ़ कर दी थी, फिर मैंने फ्लोर साफ़ करी थी। फ्लोर पे वो रेड हार्पिक होता है ना, वो मैंने डाल दिया था पहले ही, तो फिर बाद में मैंने ब्रश से क्लीन कर दिया था। अभी टंकी वगैरह थी, यहाँ पे खारा पानी है तो जंग बहुत लगता है, तो इसलिए लोहे का जूना होता है ना, उससे मैंने साफ़ किए थे, ये अच्छे से चमक गई थी। फिर वॉश बेसिन सब साफ़ करने आ गई थी मैं। बाथरूम में वाइट टाइल है ना, तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, बहुत सफाई चाहिए होती है इसमें। तो देखिए आप भी प्लीज़ ऐसे साफ़ कर सकते हैं, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा।